वेलकम बैक टू जीवी एजुकेटर. दिस इज योर एजुकेटर गामी बोगो. सो दिस वीडियो इज अगेन द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट टॉपिक एज वेल. ओके, तो हम आज ये वीडियो में पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम देखेंगे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो एंड सीड्स. ओके, एंड लास्टली हम लोग देखेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी होता क्या है. ओके, तो सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आता है बोलने से, द इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक है, फॉलोइंग डबल डबल फर्टिलाइजेशन तो हमने देख लिया था, है ना. उसके बाद जो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है एंड जो एम्ब्रियो डिवेलपमेंट, और जब हम लोग ओव्यूल का मैच्यूरेशन का बात करेगा इंटू सीड्स ना, एंड मैच्यूरेशन ऑफ ओवरी इंटू फ्रूट, आर कलेक्टिवली टर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ठीक है, दिस ऑल आर द यू नो इवेंट्स सीक्वेंस व्हिच आर टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो जब हम लोग एंडोस्पर्म का बात करेंगे, आपको एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज एंडोस्पर्म 5 मार्क्स के लिए, है ना. तो आपका तो दिमाग ब्लैंक रह जाएगा, है ना. तो सिर्फ हम लोगों को पता है कि एंडोस्पर्म क्या है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है वो बाद में जाके डेवलप हो जाता है इंटू एंडोस्पर्म. ठीक है, इतना ही आपको याद रहता है, गारंटी है ये. ठीक है, लेकिन आप ये स्लाइड एक बार देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा. ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या है बोलने से, इट प्रिसीड्स एम्ब्रियो डिवेलपमेंट. इट प्रिसीड्स एम्ब्रियो डिवेलपमेंट कहने का मतलब है बिफोर द डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स, आपका एंडोस्पर्म डिवेलपमेंट होता है. एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेटिवली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू. ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सिंपल सा लैंग्वेज है, जो आपका पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो रिपीटेड डिविजन के थ्रू बाद में क्या फॉर्म करता है, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म करता है. और ये एंडोस्पर्म टिश्यूज का जो सेल्स लोग होता है, दे आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल. और यही जो रिजर्व फूड मटेरियल है बाद में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन देने में काम करता है. एंड इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो आपका पैन होता है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. और इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, और ये आपका सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्युलर. यानी आपका सबसे पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा था, है ना, न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा था, एंड देन बाद में आपका सेल वॉल फॉर्मेशन अकर होना शुरू होता है. और ये सेल वॉल फॉर्मेशन अकर होने के बाद जो आपका एंडोस्पर्म है वो बाद में क्या बन जाता है, सेल्युलर बन जाता है. ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. ठीक है, जैसे आपका जो कोकोनट वाटर जो होता है फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है विच इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द सेल्युलर एंडोस्पर्म. ठीक है, नारियल पानी जो होता है ना, जो टेंडर जो यंग नारियल होता है उसके अंदर में पानी जो होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है. और जो व्हाइट व्हाइट वाला जो कर्नल आपको दिखता है इट इज द सेल्युलर एंडोस्पर्म. और जो आपको ये आपको ना एमसीक्यू में पूछ देते हैं, जो व्हाइट कर्नल होता है कोकोनट में वो क्या है, क्या वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, क्या वो सेल्युलर एंडोस्पर्म है. तो आपको याद रखना इट इज योर सेल्युलर एंडोस्पर्म. और जो वाटर जो होता है कोकोनट में इट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना. एंड देन जो एंडोस्पर्म होता है इट मे बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि आपका पी, ग्राउंड नट, बीन्स. ठीक है, बिफोर सीड मैच्यूरेशन, और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, एग्जाम्पल कैस्टर कोकोनट, एंड बी यूज अप इन सीड जर्मिनेशन. कभी कभी होता है क्या है कि आपका एंडोस्पर्म जो है जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना जा रहा था, ठीक है, तो जो एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो जो कभी कभी एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंड नट, बीन्स. ये आपको क्यों बता रहे हैं आप, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक यू नो एंडोस्पर्म बींग कंप्लीटली कंज्यूम बाई द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो आपको याद रखना है ग्राउंड नट, बीन्स,
पीस वगैरह, ठीक है, ये सब में आपका एंडोस्पर्म जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है बिफोर सीड मैच्योरेशन, है ना। लेकिन कुछ कुछ में परसिस्ट होता है, मतलब कुछ कुछ में रह जाता है मैच्योर सीड्स में, जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट, ठीक है। अभी देखो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो हमने देख लिया था, पीईसी से होता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से होता है। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखो, इट डेवलप्स इन द माइक्रोपाइलर एंड। क्यों माइक्रोपाइलर एंड? क्योंकि वहीं पे तो आपका जाइगोट होता है ना। जाइगोट से तो बाद पे आपका डेवलप होके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो वही बता रहे हैं, आपका जो एम्ब्रियो है इट डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्मड। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियोजेनी कहलाता है, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। यानी आप लोग कभी देखा होगा मोनोकोट और जो डाइकोट का जो सीड होता है ना, वो जो देखने में अलग है, ठीक है, वो अलग होता है, और अलग होता जरूर है, दे डिफर ग्रेटली, बट उन लोगों का जो अर्ली स्टेज होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, दोनों मोनोकोट और डाइकोट में बराबर रहता है, ठीक है। इन डाइकोट, डाइकोट में होता क्या है, द जाइगोट गिव्स राइज टू अ प्रो एम्ब्रायो एंड सब्सिक्वेंटली प्रो एम्ब्रायो के बाद वो क्या बनता है, ग्लोब्यूलर शेप बनता है, फिर हार्ट शेप देता है, एंड देन मेच्योर एम्ब्रायो बनता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है, पहले डाइकोट जो सीड होता है उसमें, अब डाइकोट प्लांट जो होता है उसमें जो एम्ब्रियो है वो पहले क्या देता है, प्रो एम्ब्रियो देता है, एंड देन सब्सिक्वेंटली प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या देता है, ग्लोब्यूलर शेप देता है, ग्लोब्यूलर शेप के बाद क्या देता है, हार्ट शेप देता है, एंड देन मैच्योर एम्ब्रायो देता है, ठीक है। अच्छा फिगर ये देखिए, ये देखिए जाइगोट, फिर डिवीजन के बाद देखो ग्लोब्यूलर शेप देता है, ठीक है, ग्लोब्यूलर शेप दे रहा है ये वाला, है ना, एंड देन बाद में हार्ट शेप देना शुरू होगा, दिस इज योर हार्ट शेप, देखो, फिर बाद में आपका ये क्या है, मैच्योर सा एक एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, जिसमें आपको रेडिकल भी दिखेगा, कोटिलेडन दिखेगा, प्लूम्यूल दिखेगा। रेडिकल क्या था, जहां से आपका रूट निकल रहे होते हैं, है ना, रूट रूट निकल रहे होते हैं रेडिकल, एंड प्लूम्यूल क्या था, जहां से आपका शूट निकल रहे होते हैं ना, तो वहां है। और यहाँ पे देखिए, दिस इज अ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। जब हम लोग एक टिपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो का बात करता है, इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू डाइकोट एंड टू कोटिलेडन्स, यानी ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहाँ मौजूद कितना होता है, बोले टू कोटिलेडन, ये एक कोटिलेडन हो गया और ये दूसरा कोटिलेडन हो गया, एंड द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज द इपिकोटाइल, जो कि बाद में किधर टर्मिनेट कर जाता है, विद द प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल को क्या नाम से जाना जाता है, शूट टिप बोल के, क्यों, क्योंकि यही प्लूम्यूल रीजन से आपका शूट निकल रहा होता है, ठीक है, यानी स्टेम निकल रहा होता है, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज योर हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप, और ये जो रूट टिप है इज कवर्ड विद द रूट कैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज योर प्लूम्यूल, यहाँ से शूट निकलते हैं, और जो इपिकोटाइल जो होता है वो बाद में यहाँ से, सपोज यहाँ पे इसका नीचे में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके बाद ये जाके बाद में प्लूम्यूल के साथ टर्मिनेट कर जाता है, वो कोटिलेडन के अबव होगा, ठीक है, आपका इपिकोटाइल, और कोटिलेडन के नीचे आपका क्या प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल, और ये बाद में जाके किधर को जाके टर्मिनेट कर जाएगा, इधर रेडिकल के पास, ठीक है, और ये जो रेडिकल है, ठीक है, इसको कर्ण कवर करता है रूट कैप, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रायो, ठीक है। और देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो, तो दे पोजेसेस ओनली वन कोटिलेडन, सिर्फ एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है उन लोगों के पास। फॉर एग्जाम्पल ग्रास फैमिली की बात कीजिए, है ना, उसमें जो कोटिलेडन जो प्रेजेंट होता है उसको क्या नाम से जाना जाता है, उसको बोलता है स्क्यूटेलम, एंड यही जो स्क्यूटेलम है, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जैसे दिस इज योर स्क्यूटेलम, और लोअर एंड में क्या होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, इट हैज अ रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलियोराइजा, ठीक है, कोलियोराइजा यहाँ पे है,
कॉलियोराइजा में आपको दिखेगा रूट कैप एंड रेडिकल, रूट कैप एंड रेडिकल, ठीक है। और ये जो कॉलियोराइजा है ये एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है, इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछ लेगा कॉलियोराइजा एमसीक्यू, कॉलियोराइजा इज अ, योर ऑप्शंस आर अनडिफरेंशिएटेड शीट, डिफरेंशिएटेड शीट, बोथ, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपको अनडिफरेंशिएटेड शीट को याद रखना है, और यही कॉलियोराइजा में आपका एनक्लोज होके रहता है कौन, रेडिकल एंड रूट कैप, ठीक है। एंड अ पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम इज योर इपिकोटाइल, इपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर द कॉलियोप्टाइल, ठीक है। यहाँ पे दी गई शूट एपेक्स कॉलियोप्टाइल, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। वैसे तो पूछना तो नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन इससे पूछ देगा आपको मोनोकोट और डाइकोट जो प्लांट है उसका एम्ब्रियो का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आपको पोजिशन ये सब याद रखना है, जो टर्म्स है कॉलियोराइजा जैसा है ना, कॉलियोप्टाइल, ठीक है, देन कोटिलेडन, ठीक है, ये सब टर्म्स को आपको मेंशन कर देना है। एंड देन नाउ कमिंग टू द सीड्स, सीड्स क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सीड्स होता है इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि यही ओव्यूल से बाद में फर्टिलाइज होकर ये क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स, ये तो हम सब बच्चे बच्चे को पता है ना। और जो सीड होता है इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कॉट्स, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है। सीड क्या क्या कंसिस्ट होता है, सीड कॉट, कोटिलेडन्स एंड एंड एम्ब्रियो एक्सिस। और जो कोटिलेडन्स होता है एम्ब्रियो का, दे आर सिंपल स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेजियम, जैसे कि वो भी आप पीस भी देखा होगा मटर, तो बड़ा सा होता है सीड जो, ठीक है। तो कोटिलेडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू, और वो जो थिक एंड स्वॉलन क्यों होता है आपका सीड जो है, क्योंकि आपका उसमें स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स ज्यादा पाया जाता है। मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्बुमिनियस और एक्स एल्बुमिनियस, तो अभी पूछ लेगा आपको व्हाट इज एल्बुमिनियस, व्हाट इज नॉन एल्बुमिनियस एंड एक्स एल्बुमिनियस, ठीक है। तो नॉन एल्बुमिनियस क्या है, द नॉन एल्बुमिनियस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल पी एंड ग्राउंडनट, जब आपका यू नो एम्ब्रियो डेवलप होता है एक प्लांट का, जब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उसमें जो एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट रहता है उसको यू नो कम्प्लीटली कंज्यूम कर जाता है, क्योंकि वो एंडोस्पर्म में आपका क्या था, फूड रिजर्व था ना, फूड रिजर्व मटेरियल था ना, तो उसको खाया जा रहा और कम्प्लीट कर दिया, कुछ बचा ही नहीं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं नो नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल कहाँ पाया जाता है आपका ग्राउंड नट एंड पी। और जब हम लोग एल्बुमिनियस सीड्स का बात करते हैं यानी एक्स एल्बुमिनियस का, then they retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Example आपको कहाँ पाया जाएगा, wheat, maize, barley, castor, ठीक है। तो ये सब में आपको you know part of endosperm retain करके रखा हुआ पाया जाएगा। Occasionally क्या होता है, in some occasionally, हमेशा नहीं, कभी कभार, some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. कभी कभी जो न्यूसेलस हम लोगों ने पढ़ा था ना, न्यूसेलस के अंदर में क्या था, एम्ब्रियो सेक था ना, तो वो जो न्यूसेलस जो पोर्शन होता है वो भी कभी कभी परसिस्ट रह जाता है, यानी रह जाता है, और यही जो रेसिडुअल होता है न्यूसेलस का इज कॉल्ड योर पेरिस्पर्म, ठीक है। पेरिस्पर्म क्या है, इट इज द परसिस्टेंट न्यूसेलस इन अ प्लांट, ठीक है। तो अभी देखिए जब हम लोग ओव्यूल्स का बात करते हैं उसमें इंटेजुमेंट्स होता है ना, हम लोगों को पता था, ठीक है, आउटर इंटेजुमेंट्स एंड इनर इंटेजुमेंट्स। इंटेजुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, याद है आपको, यहाँ पे आपको इंटेजुमेंट्स नहीं मिलता था माइक्रोपाइल एंड में, है ना, और वही जो स्मॉल पोर होता है थ्रू दैट ओनली आपका एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर होता है इन टू द सीड, ठीक है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी जब हम लोग पानी देते हैं सीड को, याद है आपको जब हम लोग उसमें पढ़ा था एनाट्रोपोस ऑब्यूल में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफाइल, उसमें एक पोर जैसा था जिसमें इंटेजुमेंट कवर नहीं एनसर्कल नहीं रहता है, ठीक है। तो वही पोर से आपका जो सीड को जब हम लोग पानी देते हैं, पानी स्प्रिंकल करता है, तो जो पानी से जो ऑक्सीजन और जो वाटर है वो वही पोर से एंटर कर जाता है एंड बाद में सीड जर्मिनेट कर जाता है, ओके। एज द सीड मैच्योर्स, जैसे आपका सीड मैच्योर होता है the water content is reduced and जो seeds होता है it becomes relatively dry,
अबाउट कितना, 10 to 15% मॉइस्चर बाय ड्राई। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका सीड्स जो है मैच्योर हो जाएगा, तो आपका सीड्स में जो वाटर कंटेंट रहता है वो जो रिड्यूस हो जाता है, और जो सीड्स होता है वो रिलेटिवली ड्राई, ऑब्वियसली वाटर कम रहेगा तो ड्राई होगा, है ना। एंड द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोस डाउन, और जो जनरली जो एम्ब्रियो का जो एक्टिविटी होता है डेवलपमेंट का ना, वो जो क्या हो जाता है, स्लो रह जाता है। ठीक है, एंड द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जिसको हम लोग डोरमेंसी कहा जाता है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज जिसको कहा जाता है। एंड इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, ठीक है, जैसे आपका एडिक्वेट मॉइस्चर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सुइटेबल टेम्परेचर दे दिया, दे जर्मिनेट, है ना। डोरमेंसी का मतलब क्या है, रेस्टिंग पीरियड ना, जो वहां पे आपका एम्ब्रियो मतलब एक्टिविटी नहीं चल रहा होता है, लेकिन जब आपको उसमें फेवरेबल कंडीशन देगा, जैसे आपको ऑक्सीजन और एडिक्वेट मॉइस्चर एंड सुइटेबल टेम्परेचर जब देगा, तो वो सीड जो है, जो डोरमेंट जो सीड जो है, वो जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, एंड जो ओव्यूल होता है इट मेच्योर्स इनटू सीड्स, सबको पता है। एंड जो ओवेरी होता है इट डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बहुत नीट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन का बहुत पैट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू में पूछ देगा ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिख गया सीड्स, करेक्ट। ठीक है, एंड देन ओवेरी डेवलप्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको दिख गया फ्रूट, करेक्ट। ठीक है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवेरी इनटू फ्रूट्स प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों एक के बाद एक चल रहा होता है। द वॉल ऑफ द ओवेरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकल्प। पेरिकल्प क्या है पूछने से आपको, इट इज द वॉल ऑफ फ्रूट। ठीक है, ओवेरी का जो वॉल होता था, है ना, जैसे हर एक एक पार्ट्स अभी कन्वर्ट होने लग रहे हैं ना मैच्यूरेशन के बाद, तो उसी तरह जो ओवेरी का जो वॉल होता है इट फर्दर डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, जिसका नाम है पेरिकल्प। ठीक है, पेरिकल्प इट इज द वॉल ऑफ अ फ्रूट। और जो फ्रूट्स होता है मे बी फ्लैशी, कभी कभी फ्रूट्स अलग अलग फ्रूट्स भी दिखा जाते हैं ना, कभी कभी फ्लैशी होता है, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, है ना, और मे बी ड्राई। फ्लैशी मतलब जहाँ पे आपको थोड़ा पानी ये सब मिलेगा, है ना, जूसी टाइप वाला। और कभी कभी ड्राई भी हो सकता है, जैसे आपका ग्राउंड नट भी एक फ्रूट है, मस्टर्ड भी एक फ्रूट है, लेकिन वो आपका ड्राई रहता है। ठीक है, और मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, नाउ दीज आर सम वेरी स्मॉल स्मॉल टर्म्स, आपको याद रखना है, समझना है साथ साथ। तो देखिए, इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवेरी अदर फ्लोरल पार्ट डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यूज एक्सेट्रा, द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवेरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। देखो, आपको पूछ देगा व्हाट इज फॉल्स फ्रूट, तो आप सिंपल बता सिंपल वर्ड में बताना है, ऐसा फ्रूट्स जो ओवेरी से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, और जो ओवेरी से फ्रूट्स डेवलप कर जाता है उसको बोलते हैं थ्रू फ्रूट्स। और जो ओवेरी के अलावा थैलेमस हो गया, है ना, और कहीं और से भी बन रहे फ्रूट, ठीक है, तो उसको आपको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। एग्जाम्पल फॉल्स फ्रूट का क्या होगा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। ठीक है, दिस ऑल आर डेवलप्ड फ्रॉम दी थैलेमस। ठीक है, एंड देन ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑब्वियसली फ्रूट्स जो है दे आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सबको पता है, लेकिन ऐसा कुछ भी फ्यू स्पीसीज होता है विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऐसे फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, जैसे कि एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक को और कभी कभी हम लोग इंड्यूस भी कर सकता है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स। ठीक है, और ऐसे टाइप का जो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होता है, उसका जो सीड्स होता है, उसका जो फ्रूट होता है, सॉरी, वो सीडलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, बनाना में आपने देखा होगा वो एकदम सीडलेस होता है। ठीक है, एंड द सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। तो आपको पूछेगा एग्जाम में, है ना, व्हाट इज सीड्स एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, और पूछेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे पहला एडवांटेज होता है कि फर्स्ट फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर डिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल देन
ठीक है। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज अदर एरियाज। समझाने का बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सा लाइन्स है, आप इसको लिख लीजिएगा व्हेन एनी क्वेश्चंस इफ इट हैपेंस कि आपको पूछ लेगा सीड्स के बारे में कुछ लिखो, है ना। तो एज दे हैव सफिशियंट फूड रिजर्व्स, कौन, सीड के पास, एज द सीड्स हैव सफिशियंट फूड रिजर्व्स यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। एंड द जो हार्ड सीड कोट जो होता है उसका काम क्या है, टू गिव प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। बींग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जेनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ठीक है। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, डन। एंड देन डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूसियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स, ठीक है। तो जो हम लोगों को डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंट वाला जो मैच्योर सीड्स है, ठीक है, कभी आपने देखा होगा चना, पी चिक करके, वही जो चना हम लोग खाते, चना मतलब, ठीक है, वो उन लोग ड्राई डिहाइड्रेटेड सीड्स होता है, ठीक है। उन लोग को हम लोग बहुत लंबा समय तक स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो वही इंपॉर्टेंस है, और लंबा समय तक स्टोर कर सकते हैं इन द सेंस वो थ्रू आउट द ईयर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, है ना। यू सी हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे हैव डिस्पर्स, ये फिर आपका सीड के ऊपर वेरी करता है, अलग अलग स्पीसीज के ऊपर वेरी करता है, ठीक है। देखिए, सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल इयर्स, सम सीड्स कैन सर्वाइव अलाइव, कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, ठीक है। सोच के देखो, 100 ऑफ ईयर्स के लिए वो जिंदा रह सकते हैं, एक सीड जो है। देर आर सेवरल सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स, द ओल्डेस्ट ऑफ डेट इज ऑफ ल्यूपिन ल्यूपाइन ओके ल्यूपाइन आर्कटिकस विच वॉज एक्सकेबेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, द सीड जर्मिनेट किया एंड फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। अरे बाप रे, देखो, यानी 10,000 ईयर्स तक वो रेस्टिंग स्टेज में था, उसने फ्लावर किया ने, मतलब सीड ही नहीं दिया, ठीक है, मतलब सीड ही नहीं दिया बोल रहे, मतलब वो जर्मिनेट ही नहीं किया है, ठीक है। ये वाला जो है, देखिए, दिस इज योर 10,000 ईयर्स ओल्ड एक सीड है, ठीक है। उसके बाद में 10,000 ईयर्स डोरमेंसी के बाद में ब्लूम किया है, ठीक है, जर्मिनेट किया है, तो ये होता है। उसके बाद रिसेंट रिकॉर्ड क्या बताता है, देखो, 2,000 ईयर्स ओल्ड बाइबल एक सीड है फिर एक डेड पाम के, ठीक है, जिसको जिसका साइंटिफिक नेम है फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। दिस वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी, ठीक है। एक वो जो किंग हेरोड्स का जो पैलेस था नियर द डेड सी ना, उसमें से डिस्कवर किया गया था आपका ये फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये भी आपका 2,000 ईयर्स ओल्ड आपका डोरमेंसी में रह के बाद में जर्मिनेट हो गया था, बताया, ठीक है। लाइफ अजीब है ना। नाउ देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अपोमिक्सिस क्या है, व्हाट इज अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी पूछ देगा आपको, तो आपको बोलना है अपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा प्रोडक्ट देता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अपोमिक्टिक सीड्स, जैसे कि द डिप्लोइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, सिंपल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं, है ना। टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी सीड्स तो ही क्या है, वैसे तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, लेकिन ऐसा सीड जिसको हम लोग विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, और जो हम लोग एस्टेरेसी और ग्रासस फैमिली में पाया जाता है। एंड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, इट इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, ठीक है, सिंपल वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं।
इट इज द पॉली एम्ब्रियोनी, इट इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। देखिए यहाँ पे आपको ऑरेंज, बनाना, कीवी, ठीक है, इसमें पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारा एम्ब्रियो होता है। यहाँ पे देखो ये जो सीड्स रहता है, ठीक है, ये सीड्स ही तो एम्ब्रियो है। देखो देखिए ये सब टोमेटो है ना, तो ये सब आपका पॉली एम्ब्रियोनी का पिक्चर्स है, इसको देख के एग्जाम्पल लिख सकता है। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, है ना। आजकल तो हाइब्रिड, हर चीज हाइब्रिड देखने को मिल रहा है ना, प्लांट भी हाइब्रिड, वेजिटेबल्स भी हाइब्रिड। कभी कभी आपने देखा होगा मैचुका लाइक पत्ता, तो लंबा लंबा सा होता है, लेकिन वो तो आपका रीजन के मुताबिक हो गया ना। लेकिन ऐसा कुछ यू नो कैबेजेस वगैरह होता है कि हाइब्रिड किया वाला, और कुछ मकई होता है हाइब्रिड किया वाला, एकदम बड़ा बड़ा सा खिल के ना, और मिर्चा भी हाइब्रिड वाला, मतलब मार्केट पर्पस के लिए उन लोग जो क्या करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए हाइब्रिड प्लांट्स यूज करता है, सुंदर दिखने के लिए, बड़ा सा प्रोड्यूस देने के लिए, है ना। तो वही है, कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैव ट्रिमेंडियसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, उसको एवरी ईयर प्रोड्यूस करना होता है। हाइब्रिड सीड्स का वैसे तो बहुत सारा मतलब डिमांड है ना, हाइब्रिड हाइब्रिड्स प्रोड्यूस का, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम यही है कि उसको हर साल एवरी ईयर उसको प्रोड्यूस करना होता है। क्योंकि देखो इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। इसीलिए जो प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड सीड्स का इज कॉस्टली, एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स लोग ज्यादातर यू नो हाइब्रिड सीड्स को लगाना तो चाह रहे, लेकिन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है उन लोगों का, ठीक है। तो इसीलिए इन लोग का जो ऑल्टरनेटिव के लिए एपोमिक्टिक सीड्स को बनाया गया है। इफ दिस हाइब्रिड्स आर मेड इन टू एपोमिक्स, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स, यानी एपोमिक्टिक सीड्स अभी हो जाएगा है ना, टू रेज न्यू क्रॉप एवरी ईयर आफ्टर ईयर, एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर एपोमिक्टिक एडवांटेज एपोमिक्टिक सीड। एंड बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्टिक एंड हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्टिक्स एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज, ठीक है। और लास्टली यही है, एपोमिक्टिक दे हैव सेवरल एडवांटेजेस इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। आपको इसको पूछ देगा, ठीक है, एपोमिक्टिक हैव सेवरल एडवांटेजेस इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन, ठीक है। आपको उसको एक्सप्लेन करो, कैसे जस्टिफाई करो, तो आपको ये सब मेंशन कर देना है, ठीक है, ये सब, क्योंकि जो हाइब्रिड को लेके आपको एकदम कंपेयर करके मेंशन कर देना है, ठीक है, कि हाइब्रिड जो है यू नो उसको एवरी ईयर उसको प्रोड्यूस करना होता है जो हाइब्रिड सीड्स होता है, लेकिन इसको एपोमिक्टिक सीड्स को एवरी ईयर नहीं करना पड़ता है, एक ईयर में कर दिया तो नेक्स्ट ईयर आफ्टर ईयर उसको यूज कर सकता है। और जो सीड्स होता है हाइब्रिड वाला, उसका जो प्रेजिनी होता है वो जो सेग्रीगेट कर जाता है, और बाद में हाइब्रिड कैरेक्टर दिखाता ही नहीं, ठीक है। लेकिन एपोमिक्टिक में ऐसे नहीं होता है, वो जो हाइब्रिड एक हो गया एक बार तो मतलब वही रहेगा, वो बाद में सेग्रीगेट नहीं होता उसका जो कैरेक्टर है, ठीक है। एंड देन वो जो कॉस्टली होता है हाइब्रिड सीड, लेकिन आपका एपोमिक्टिक जो है कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब आप डेटा ऐड करके लिख सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग जीवी एजुकेटर।